सब तो पहला समूह संतान नवे साल 2014 दिया लख लख बधाइयां हो। इस आशय में मुख रखते गुरु पास पहुंचे बख्शिशा प्राप्त करने वास्ते गुरु की रहमत प्राप्त करने वास्ते ते रहमत बख्शिश कोई प्राप्त कर सकता है जो कि निमाणा होके आए हिरदे विच प्यार ते श्रद्धा होवे भरोसा होवे निमाणता होवे जदों गरीबी का भांडा निर्माणता का भांडा मन को नीवा करके किसी अगे रखा जाए तो जितना मर्जी कठोर दिल हो भांडे में कुछ ना कुछ जरूर पाएगा। साडा गुरु बेअंत है अथा अगम अतोल जिदी महिमा बयान नहीं की जा सकती। तो ऐसे गुरु अगे झोली अड्डन वास्ते पहुंचे हाँ करिए मन निमाणा मन की श्रद्धा प्रेम लैके अरदास करिए पातशाह कृपा करो रहमत करो तो समा लंघ गया आप जी का मुताबिक आप जी के भाने में जो आने वाला समा है कृपा करनी रहमत करनी अपने नाम बाणी का अभ्यास दे के अपनी मेहर का हाथ सिर तेरा उदीत करा जुड़िए शब्द नाल बाणी नाल समा सीमित है अते प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की वाहिगुरु 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 वाहे गुरु 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 हर
मीठे हर गुण गाओ जिंदू।
गुण को गायन कर जबान तो वो लफ्ज कर जमती है। सच्चे सेती रहते हैं मिलिया निकाम मीठे हर मंगाओ परमात्मा दी बोली उस निरंकार दी बोली साहिब बाणी राही प्रवाह करते हैं। करने कौड़ा बोलना जाने बोली कैसी है परमात्मा दी निरंकार दी कौड़ा बोलना जाने है कौड़ा बोला बोलना जानता है पूरन पूर्वा है विचारण जो गल है जे किसी नु बोली आंदी होवे तां कोई सांझ पा सकदा है। एक इंसान उर्दू बोल रहा है पश्तो बोल रहा है दूसरा अंग्रेजी बोल रहा है सांझ नहीं पा सकदा। एक इंसान पंजाबी बोल रहा है दूसरा अंग्रेजी बोल रहा है या कोई और भाषा बोल रहा है समझ नहीं पा सकदा। परमात्मा की बोली है प्यार ते जब तक परमात्मा की बोली नहीं बोलेंगे परमात्मा की समझ नहीं बोलेंगे। बोली है सांझ पाउण दा तरीका कि तो कोई शह खरीदन जाओ कोई वस्तु खरीदन जाओ अपनी भाषा विच मंगी कुछ हो जाओ दूसरे को पता ही नहीं चाहता की है ख्याल करे दुनिया में जितने भी जख्म मिले इस मनुखता को कन्या को मिले जितने दर्द जख्म इस मनुखता को मिले फुला को नहीं मिले कन्या को मिले क्योंकि कंडा तिखा होता है। ते एक अदीब लिखता है जिथे कंडा तिखा है उथे इंसान की जबान भी जे तिखी होवे ते चुप जाती है। तिखी गल हिरदे नूं लुह जाती है चीर के रख देती है। किसी सूझवान ने बड़ा सुंदर लिखी है लिखता है कि जे कोई जख्म होवे शरीर ते भरन नूं टाइम लगता है जे कोई जख्म है जबान दे ते जबान दा जख्म बहुत छेती भरदा है। ओदी लिखता है विज्ञान कहता है कि जबान पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है। विज्ञान कहता है कि जबान पर जीभ पर लगी चोट बहुत जल्दी ठीक होती है और ज्ञान कहता है कि जबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती जिंदगी भर ठीक नहीं जख्म मिले कंडिया साहबा ने साकत नूं कंडा किया साकत हर रस साफ ना जानिया तिन अंतर होमे कंडा है। जे हिरदे विच होमे है ते इंसान दा जीवन साकत वर्गा है कंडे वर्गा ते कंडे किते भी कबूल नहीं होंदे। प्रकृति अपना सारा प्यार फुल्लां राहीं प्रकट करदी है। जे किसे ने किसे दी उपमा देनी चाहिए ते किसे ने कंडे नाल उपमा दी फुल्लां नाल उपमा दी। जे भगत ने देखिया कि मैं अपने गुरु की पूजा करा ते कंडे नहीं चढ़ाए फुल चढ़ाए। जे कोई आत्म रस दे आनंद च डुब गया ते किसे ने अपने दिल का हृदय का प्यार प्रकट करना चाहे ते फुला ने प्रकट किया मंदिरों गुरुद्वार
तीर्था के अक्सर देखते हैं कि लोग फूल चढ़ाते हैं कंडे में पत्थर में, जे कोई तर्क खड़े कर देवे कि फूल क्यों चढ़ते हैं कंडे क्यों नहीं पत्थर क्यों नहीं, कहना पवेगा कि फूल कोमल है, फूल खुशबूदार है, सुंदर है, तेजे कंडा देखिया जाए कठोर है पत्थर वर्गा। दिखा है चुभता है चढ़ाव की वस्तु है, वस्तु वास्ते या पत्थर वास्ते गुरु करा मंदिर कोई जगह नहीं, ख्याल करिए पत्थर देवा वास्ते भी इन जगह पे कोई जगह नहीं। जे कोई पत्थर दिल है हृदय में प्यार नहीं विश्वास नहीं भरोसा नहीं सब जितने मर्जी नक रगड़ी चलो हृदय प्यार आ रहे हृदय फूल की तरह सुगंधित हो जाए कोमल हो जाए तो गुरु आप आके दरवाजे दस्तक देगा, गुरु आप चल के आवेगा। अनेक ही ऐसे प्रमाण मिलते हैं। एक बड़ी प्यारी जी गाथा है त्रेते युग देवता राम राम जन कहने देखे एक पगडंडी से फुल बिछे पे रस्ते में फुल ही फुल बिछे पे फुलों के ऊपर तुर के भगवान राम जा रहे हैं। जब पहुंचे ने तो की देखे फुला बिछाने वाली कौन है, एक गरीब अछूत औरत पीरनी मन च प्यार सी श्रद्धा सी जिन्हों भगवान कहती सी अपना चल के दरवाजे पर पहुंच गया। फिर उस पीली ने बेर खवाए प्यार मन इतना कि यह भी याद ना रहा कि मैं अपने झूठे बेर अपने भगवान को खवाए। चखी चले चख के देखे जे खट्टा है तो सुन दे मिठा हो अपने भगवान को बेटा कर जरा भगत होंगे वो खटा से अपने को रख दें मिठास बेटा कर दें कदी लिख रहा है बड़ा सुंदर कि जो मन च प्यार हो इंसान दुख अपने झोली पा लिया है लिखता है जेकर माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके माना कि इस जमी को ना गुलजार कर सके कुछ खार कम ही कर गए गुजरे इधर से तो गुजरो थोड़ा जहा प्यार बन के चलो थोड़ी जी मैं खिला दे उस मैं सदका कोमलता सदका जो सांझ बनेगी उस परमात्मा का तो उस सांझ फिर टुटेगी नहीं। गुरु को आने हैं आके बाणी पढ़ते भी हाँ सुनते भी हाँ पर असर नहीं होता, कारण है साकत हर रस साध न जाने ते अंतर भाव में कंडा है। जो तक इस कंडे को दूर नहीं करेंगे जो तक मन की कठोरता दूर नहीं करेंगे बाणी नहीं सीखेंगे। लोड़ है
ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪਲ ਵਸੇ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਭ ਬਾਬਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸ਼ਰਧਾ, ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਲਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਔਰ ਸੰਭਲ ਦਰਤੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੌੜਾ, ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈ। ਪਰ ਸਿਸ਼ਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਦੂ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਿਆ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਭਰੋਸਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੱਚ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।